वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैं आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको फ्लैट 80% डिस्काउंट मिलेगा सारे सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये फ़ायदा करवाना है अपना, तो आपके करियर के लिए बहुत पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं। जितने भी हैकिंग के सर्टिफिकेशंस आपने सुने या देखे होंगे या दिए भी होंगे, उनमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वो ट्रेनिंग भी खुद देते हैं और एग्ज़ाम भी खुद लेते हैं। लगभग सारे एग्जाम्स प्रॉक्टर्ड होते हैं, कोई आपको देख रहा होता है कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो थ्रू आउट द एग्ज़ाम। और बहुत टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन में आपको 6-7 मशीन सॉल्व करनी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एग्ज़ाम का कंटेंट वो रियल वर्ल्ड हो सकता है, लेकिन क्या एग्ज़ाम लेने का तरीका रियल वर्ल्ड है? आज हम इस वीडियो में ट्रेडिशनल पेन टेस्टिंग एग्जामिनेशंस के तौर तरीकों को चैलेंज करेंगे और साथ में एक मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे जो कि एक अलग नैरेटिव लेके मार्केट को डिसरप्ट करने का गोल रखता है। आपने मुझे सारे मेजर सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ के बारे में बात करते हुए सुना होगा, ईसी काउंसिल, सैंस, ऑफसेक, कॉम्पटिया, आईएसी स्क्वायर, आईएनई। आज मैं एक नए ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँगा, द सेकॉप्स ग्रुप, जो कि अभी रिसेंटली लाइमलाइट में आए हैं और मैंने इनके एप्सक एग्जाम्स दिए हैं सारे लेवल्स के, एसेंशियल्स, प्रो एंड एक्सपर्ट। मैं बिल्कुल कम्प्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, बिल्कुल अनबायस्ड और अनफिल्टर्ड। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे जो लगता है जिससे आपको वैल्यू मिल सकती है मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो इनके प्रोज एंड कॉन्स सब की बात करेंगे डिटेल में। इनके बारे में बात करना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि ये जस्ट अनदर सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं है, ये काफ़ी यूनिक अप्रोच से इंडस्ट्री में आए हैं और एक बड़े लेवल का चेंज ला सकते हैं। सेकॉप सिर्फ एक एग्जाम प्रोवाइडर नहीं है, ये पेन टेस्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट्स को। अगर आपका एक स्टार्टअप है तो आपको आईटी सिक्योरिटी और कंसल्टिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और टेक स्टैक्स पर। इनकी एक सर्विस है पेन टेस्टिंग एग्जाम्स। अभी फिलहाल आज के डेट में एप्सेक, क्लाउड नेटवर्क और AIML के एग्जाम्स अवेलेबल हैं। सबसे एक्साइटिंग बात है मेरे लिए AIML के एग्जाम्स, क्योंकि ये रिलेटिवली नया टॉपिक है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है फिलहाल मार्केट में, बहुत रेयरली मिलता है। और भले आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन आपको एक प्रॉपर स्किल टेस्ट नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर में मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगा। मैं बार बार एग्जाम्स बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि लोग पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करेंगे, क्योंकि ये इनका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। और ऑनेस्टली आज के डेट में फॉर पोर्टफोलियो पर्पसेस सेकॉप्स के सर्टिफिकेशंस उतने वैल्यूएबल नहीं हैं जितने कॉम्पटिया, ऑफसेक और सैंस के होंगे जो HR प्रेफर करेंगे। इनका पर्पस ये है कि ये जानना कि आज की टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स कितनी रेडी है रियल वर्ल्ड साइबर ऑपरेशंस के लिए, और आपके फंडामेंटल्स, जो एस्पायरेंट्स हैं उनके फंडामेंटल्स चेक करना और आपको ये बताना कि आप टेक्निकली कितने स्किलफुल और कम्पिटेंट हो। इस वीडियो में मैं वैल्यू एग्जाम्स के बेसिस पर जज करूंगा, सर्टिफिकेशंस पर नहीं। तो आइए कुछ नॉर्म्स की बात करते हैं जो सेकॉप्स चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्टरिंग की। जितने भी एग्जाम्स हैं मोस्टली सब में एक ह्यूमन प्रॉक्टर होता है जो स्क्रीन के पीछे से आपको देख रहा होता है वेबकैम से कि आप क्या कर रहे हो थ्रू आउट द एग्जाम, आप पे नज़र एक गाड़े होता है। अब रियलिस्टिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू माइक्रो मैनेजमेंट, कोई आपके ऊपर नज़र गाड़ के बैठे 24 घंटे, तो फिर आप एम्प्लॉय सही नहीं हो। अगर आप खुद से ऑनेस्ट होगे तो आप काम सही से करोगे, क्योंकि वो आप खुद के लिए करोगे। बट हाँ, बात ये भी है कि अगर कोई प्रॉक्टर नहीं होगा तो एग्ज़ाम की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि फिर सबको देने लगेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए सेकॉप्स में कोई ह्यूमन प्रॉक्टर नहीं होता, तो इसीलिए इनकी एग्ज़ाम्स की वैल्यू ज़्यादा है सर्टिफिकेशन से। और इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए आपको स्केड्यूल करना पड़ता है, कुछ फ्यूचर में स्लॉट्स होते हैं जहां पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। कभी कभार तो होता है कि अगले 1-2 महीने तक भी स्लॉट्स नहीं मिलते अगर पॉपुलर सर्टिफिकेशन है तो। अब प्रॉक्टरिंग नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि सेकॉप्स के एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हो, 24/7 ऑन डिमांड अवेलेबल है, जब भी आप चाहो, जब भी आप फ्री हो तब दे दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई स्लॉट का सिस्टम नहीं है यहाँ पर। और नेक्स्ट बात करूं तो ये एग्ज़ाम्स बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए भी होते हैं, 1 दिन 2 दिन, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स नेटवर्क्स को पेन टेस्ट करना होता है। मैं स्पेसिफिकली ऑफसेक की ही बात कर रहा हूं। अब रियलिस्टिकली देखा जाए तो कोई भी पेन टेस्ट 1 या 2 दिन का नहीं होता है, ये इतने टाइम में जो स्टूडेंट को प्रेशर होता है बेसिकली उसमें वो गलतियाँ करते हैं और वो डिलिबरेटली स्ट्रेस देने का काम ही करता है। सेकॉप्स के एग्ज़ाम 4 से 7 घंटे के होते हैं एट मैक्स, ये एक करीब करीब कॉर्पोरेट वर्किंग टाइम होता है 1 दिन का, तो इतने में किसी की भी स्किल्स आप एसेस कर सकते हो। और चौथी बात है कि ये खुद से ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते, कई बार ऐसा होता है कि जो इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम ले रहा है वही पढ़ाता है आपको और वही चीज़ें पढ़ा के वही एग्ज़ाम में आती हैं, तो एक बायस क्रिएट हो जाता है कि जो आपने पढ़ाया हो सकता है वो ओपन स्टैंडर्ड ना हो, हो सकता है वो आपके ही किसी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाया हो आपने, नेक्स्ट आपको प्रॉफिट होगा। ये वेंडर न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो इन्होंने सारे एग्जाम्स का सिलेबस बताया हुआ है जो ओपन स्टैंडर्ड है, बेसिकली OWASP Top 10 ही है मोस्टली,
तो ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। इन्होंने रिसोर्सेज भी दिए हैं, उनके लिंक्स भी दिए हैं अपने सारे एग्जाम्स के पेजेस पर कि ये पर्टिकुलर स्किल्स आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, पोर्ट्सविगर, ट्राहैकमी, हैक द बॉक्स, पिको सीटीएफ, जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करना चाहो या पढ़ना चाहो, सब कुछ लिस्टेड है। तो ये सेल्फ स्टडी को प्रोमोट कर रहे हैं और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सेकॉप्स के एग्ज़ाम काफ़ी अफोर्डेबल हैं, मैक्सिमम 200 से 400 पाउंड्स, तो ये बिगनर भी अफोर्ड कर सकता है। और इसके साथ आपको एक फ्री एग्ज़ाम रीटेक भी मिलता है उसी प्राइस पर, तो ये दो अटेम्प्ट्स मिल गए आपको। अब इनके एग्ज़ाम पोर्टल की बात करें तो इन्होंने एक थर्ड पार्टी वेंडर लिया हुआ है स्पीड एग्ज़ाम, जिसका इंटरफेस काफ़ी सिमिलर है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के इंटरफेस से, कि लेफ्ट पैनल होगा, वहाँ पर सारे एग्जाम क्वेश्चंस होंगे, नंबर्स में लिस्टेड होंगे, और प्रीवियस नेक्स्ट क्वेश्चंस को फ्लैग भी कर सकते हो। कैलकुलेटर का ऑप्शन होता है ऊपर, डिटेल्स होती हैं एग्जाम्स की, मार्क्स वगैरह इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो काफ़ी फैमिलियर लगता है। अब एग्ज़ाम की बात करें तो आपको एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए 60% स्कोर करना पड़ता है एटलीस्ट, लेकिन अगर आप 75% या उससे ज़्यादा स्कोर करते हो तो आप पास भी होते हो मेरिट के साथ। तो एक सर्टिफिकेशन में एक एक्स्ट्रा बैज ऐड हो जाता है मेरिट के साथ, बाकी कोई खास उसका कोई पर्क नहीं है, बट दिस इज़ गुड फॉर यू टू सी कि आप कितना अच्छा परफॉर्म किए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो मैंने इनके 3 एग्ज़ाम्स दिए हैं एपसेक बेस्ड, तो मैं इनका कम्प्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू करूँगा डिटेल में कि कितने ईजी हैं, कितने डिफ़िकल्ट हैं, किसके लिए सही हैं। और मैंने एपसेक के दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एग्जाम्स अलग हैं, सबका पैटर्न सेम है, तो जो ये रिव्यू होगा बाकी उन एग्जाम्स पर भी अप्लाई होगा। सबसे पहले बात करते हैं कैप की, सर्टिफाइड एपसेक प्रैक्टिशनर। ये सबसे बिगिनर, सबसे नोवाइस अप्रेंटाइस लेवल का एग्ज़ाम है, जो थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको 60 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ईजी था, जितना डीप में मैं गया हूँ एपसेक में, मैंने इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करी थी। मैंने जिस दिन मुझे वाउचर मिला मैंने उसी दिन एग्ज़ाम दे दिया था और मैंने 88% स्कोर किया। कुछ क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिए शायद, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस क्लियर नहीं थे, बट माइंड यू ये इतना ईजी नहीं है जितना लगता है। लोग फंडामेंटल्स पर ही फंबल करते हैं, जो कि यही आपके पेन पॉइंट्स होते हैं, यही पर वो फोकस करता है। कहीं से भी किसी भी कंसेप्ट में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं पर भी आप अटक सकते हो, बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। और ये एसेंशियल वर्टिकल का एग्ज़ाम है, जो कि एआई प्रॉक्टर्ड होते हैं, तो आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते, दूसरे टैब पर नहीं जा सकते, तो इसमें 100% स्कोर करना मुश्किल है। इन माई ओपिनियन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल एग्जाम फॉर अ बिगिनर इन एपसेक, जिसको अपने फंडामेंटल्स टेस्ट करने हैं। ये मोर ऑफ कंसेप्चुअल एग्जाम है रेदर देन अ स्किल टेस्ट, लाइक आपको उसमें हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना और आंसर के बारे में सोचते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि बिना प्रैक्टिकल परफॉर्म किए भी प्रैक्टिकल परफॉर्म हो गया। और बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी अभी एपसेक पढ़ना चालू किया है या वेब सिक्योरिटी पढ़ना चालू की है, तो आपके लिए ये बेस्ट है, ये सही रहेगा। अब बात करते हैं कैप पेन की, सर्टिफाइड एपसेक पेन टेस्टर। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, ये प्रोफेशनल वर्टिकल का एग्ज़ाम है, जिसमें आई थिंक 17 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, कुछ 20 मार्क्स के, बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टी लेवल, और इनको आपको 4 घंटे में सॉल्व करना होता है और पास करना होता है। ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे आंसर करने के लिए, और ये प्रॉक्टर्ड नहीं होता है, तो आप गूगल यूज़ कर सकते हो जितना भी चाहो, कहीं से भी रिसर्च कर सकते हो। और इसमें आपको एक एग्ज़ाम VPN मिलता है आपके मेल पे, जिससे आप कनेक्ट होते हो, और फिर आपको एक लैब एनवायरनमेंट का एक्सेस दे दिया जाता है, जिसमें आपको पेनटेस्ट करना है, अटैक करने हैं ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। तो जस्ट लाइक ऑफसेक, यहाँ पर भी VPN बेस्ड एग्जाम है। और अच्छी बात यह है कि ऑप्शंस को काफ़ी सोच समझकर यूज़ किया गया है और सारे ऑप्शंस आपको सही लगते हैं। तो इन माय ओपिनियन जो अभी फ्रेशर्स ही हैं वेब सिक्योरिटी या पेन टेस्टिंग में, वो प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं, थोड़े बहुत CTF कर चुके हैं, या अपनी स्किल्स टेस्ट करना चाहते हैं कि उनको प्रैक्टिकल कितना आता है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लॉइट्स होते हैं, यहाँ पर आपको बस एक एजुकेटेड गेस लेना है कि क्या काम करेगा यहाँ पे, और अपने पेलोड्स बनाने हैं, या आप जो कॉपी पेस्ट करोगे पेलोड्स वो भी काम कर जाएंगे। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ईजी होता है। तो थिंग्स आर ईजियर देन यू थिंक, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको एलैबोरेट करना चाहिए, मेरे ख्याल से थोड़े से वेग लगे मुझे, बाकी सब सही है। इनका नेक्स्ट वर्टिकल है जो हाईएस्ट लेवल का, हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल का है, एक्सपर्ट वर्टिकल, जिसमें अभी 2 ही एग्जाम्स अवेलेबल हैं, सर्टिफाइड AI ML पेन टेस्टिंग एक्सपर्ट या सर्टिफाइड एपसेक पेन टेस्टिंग एक्सपर्ट या CAPNX। तो मैंने CAPNX दिया हुआ है, और इसके बारे में बात करूँ तो इसमें आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, वो आपको 7 घंटे में सॉल्व करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 60 मार्क्स के भी होते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, और इसमें फ्लैग बेस्ड आंसर्स होते हैं। तो हर क्वेश्चन में एक वल्नरेबिलिटी होगी जो आपको एक्सप्लॉइट करनी है, और उसमें जो आपको फ्लैग मिला वो आपको सबमिट करना है, जस्ट लाइक अ CTF। मेरे लिए ये सबसे चैलेंजिंग एग्ज़ाम था, क्योंकि कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था,
आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इंटेंशनली वल्नरेबल है। अगर एक्सरसाइज है तो या तो एंगुलर ब्रैकेट्स ब्लॉक्ड होंगे या स्क्रिप्ट टैग ब्लॉक्ड होगा। अगर SSRF है तो एक एब्सोल्यूट URL होगा जो वाइट लिस्टेड होगा, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं करेगा। तो कोई ना कोई बाईपास आपको लगाना ही पड़ेगा, तो ये मत सोचना कि एक दो घंटे में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें हिंट्स अवेलेबल होते हैं हर क्वेश्चन में, तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं फंस रहे हो तो आप हिंट ले सकते हो, लेकिन हिंट के कुछ मार्क्स डिटेक्ट होते हैं। अगर आपने हिंट लेकर कोई क्वेश्चन का सही आंसर किया तो आपके मार्क्स डिटेक्ट होंगे फाइनल टोटल से। बहुत बारीकी से इन्होंने लैब्स बनाए हैं और बहुत अटेंशन टू डिटेल दिया है, और ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ लैब्स बनाए गए हैं, कोई भी एक्सप्लॉइट कहीं भी रैंडमली मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो रियल वर्ल्ड में कोई पर्पस सर्व कर रहा है ना, उसको सिमुलेट किया गया है, तो वेरी क्लोज टू रियल वर्ल्ड। जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर कोई प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने का फीचर है तो वहाँ पर XXE या XSS मिल सकता है, कैश पॉइजनिंग नहीं। लॉगिन पर SQLI मिल सकता है, IDOR नहीं। अगर फंड्स ट्रांसफर है तो उसमें रेस कंडीशन मिल सकती है, XSS नहीं। तो एप्लीकेशन के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आपको बग्स मिलेंगे। हाँ, मुझे इसमें ज़रूर ऐसा लगा कि कुछ कुछ फंक्शनैलिटी स्टेबल नहीं है, लाइक कभी कभार इमेजेस लोड ही नहीं होती हैं एग्जाम पोर्टल में, और वो बहुत अनॉइंग लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। और कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐसी हैं जो कि डाउन हो जाती हैं, लाइक कुछ पेलोड लगाओ कुछ बग ढूंढने के लिए तो वो डाउन ही हो जाएगी, लाइक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा उस API एंड पॉइंट से। और इसी वजह से मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, मैंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया और मुझे उसके मार्क्स कट गए। तो अब लैब्स रिवर्ट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, लाइक कुछ टेक्निकली आपने गलत कर दिया, गड़बड़ कर दी, कुछ डाउन कर दिया, तो आप पता नहीं फिर आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई थिंक इन माई ओपिनियन इट इज़ अ ग्रेट प्रैक्टिस फॉर एप्सेक प्रोफेशनल्स जो कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं इस फील्ड में, एक दो साल में वो डीप में प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल्स रखते हैं वेब सिक्योरिटी में, और उनको बस मास्टरी करनी है इसमें। इसके चैलेंजेस ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगाई है मैंने, तो इजिली वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स फॉर एप्सेक दैट आई हैव गिवन। बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस थे और बहुत मज़ा आया सॉल्व करने में, ऐसा लग रहा था कि 10 ही क्वेश्चन हैं और होने चाहिए थे, दिल नहीं भर रहा था सॉल्व करने से। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जब मैंने CAPNX का दूसरा अटैम्प्ट दिया तो सारे क्वेश्चन सारे के सारे सेम थे 100%। तो अगर आप दूसरा अटैम्प्ट देते हो तो मोस्टली काफ़ी लोग पास हो जाएंगे, आई थिंक सभी हो जाएंगे। तो आई थिंक क्वेश्चंस तो चेंज होने चाहिए थे दूसरे अटैम्प्ट में, एटलीस्ट एक स्टूडेंट के लिए, वरना एग्ज़ाम की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने दूसरे डिफरेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए थे। और लाइव सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है एग्ज़ाम के बीच में, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा लैब रिलेटेड या एग्ज़ाम रिलेटेड, या कुछ फंस गए हो कहीं पर टेक्निकली भी, तो उसके लिए एक चैट फीचर है कैप या CAPNX में। तो वहाँ पर मैंने किसी एडमिन को मैसेज किया, मुझे कुछ इश्यू आ रहा था, इमेज लोड नहीं हो रही थी, तो वहाँ से कोई रिप्लाई ही नहीं आया, लाइक पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया लेकिन किसी ने रिप्लाई ही नहीं दिया, ना मेल पर कुछ आया। उनके साइड से ही इशू था, इमेज लोड नहीं हो रही थी, पोर्टल स्लो था, VPN का कुछ काम ना करे। तो ये तो होना चाहिए लाइव सपोर्ट, एटलीस्ट अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है 24/7 ऑन डिमांड है तो कोई ना कोई होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड, जो देखे कि जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका एक्सपीरियंस स्मूथ हो। और अगर मैं ओवरऑल एप्सेक परस्पेक्टिव से बात करूँ ना, तो मुझे इनके एग्ज़ाम्स का जो नाम है वो मिसलीडिंग लगता है। लाइक जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे वेब सिक्योरिटी के थे, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे चैलेंजेस सारे लैब्स वो वेब रिलेटेड थे, वेब और क्लाउड कवर था, जितने भी OWASP टॉप 10 हैं वो कवर थे। लेकिन एप्सेक को अगर आप देखो तो उसमें बहुत सारे और टेक स्टैक्स होते हैं ना, मोबाइल, IoT, डेस्कटॉप, तो सब में एप्लीकेशंस बनते हैं, तो एप्सेक का स्कोप ज़्यादा है, इनके क्वेश्चंस नहीं थे। तो आई थिंक एग्जाम्स के जो नाम है वो एप्सेक की जगह वेबसेक होने चाहिए, सर्टिफाइड वेब पेन टेस्टर, सर्टिफाइड वेब प्रैक्टिशनर या सर्टिफाइड वेब एक्सपर्ट, जैसे ऑफसेक ने रखा है OSWE, उसने ये नहीं बोला कि ऑफसेक एप्सेक एक्सपर्ट, तो इट्स फॉर अ रीज़न, राइट। और वैसे भी एप्सेक में और बहुत चीज़ें होती हैं, लाइक सिक्योर कोडिंग, सिक्योर डिज़ाइन, पाइपलाइन सिक्योरिटी, कंटेनर सिक्योरिटी, SSDLC, तो ये सब अगर आप कवर करते हो अपने एग्जाम्स में ना, तो रियल सेंस में राइटफुली एप्सेक कवर हो जाएगा। नो डाउट सर्टिफिकेशंस की वैल्यू आज भी है, आगे भी रहेगी। अगर आपको HR पॉइंट ऑफ व्यू से रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपको आज भी सर्टिफिकेशंस लगेंगे इनके अलावा, तो उनकी वैल्यू को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा। बट ऑल इन ऑल जो SecOps ऑब्जेक्टिव लेकर आया है उस पर ये खरा उतरता है, और इसके एग्जाम्स वन ऑफ द बेस्ट हैं जो आपको अपनी स्किल्स पहचानने में काम आएंगे।
तो चेक इफ यू आर रेडी फॉर द इंडस्ट्री, स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो इनके एग्जाम्स आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मुझे और भी एग्जाम्स देने हैं फ्यूचर में, मैं ज़रूर दूंगा। और कुछ चीज़ें हैं, इनको थोड़ा टाइम दो, ये नए हैं काफ़ी, इनको थोड़ा टाइम देते हैं तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो जाएगा फ्यूचर में। और भी ज़्यादा एग्जाम्स आएंगे अलग अलग टेक्नोलॉजीज पर जो फ्यूचर में आते रहेंगी। इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है ना, आई हाईली सपोर्टेड एंड आई से ऑल द बेस्ट, आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द सेकॉप्स टीम, और फ्यूचर में वो और ग्रो करें और हमें ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और ये ट्रेनिंग नहीं देते हैं, अगर आपको पढ़ना है एप्सेक के बारे में, पेन टेस्टिंग के बारे में, एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, तो मैंने ट्रेनिंग्स बनाई हैं, खुद के कोर्सेज बनाए हुए अपने वेबसाइट या ऐप पर। रिसेंटली OSCP का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है और CEH के तो कोर्स पहले से हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है सारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट के, तो चेकआउट कर लेना। काफ़ी लोग ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं सीख के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कोई वैल्यू मिली होगी। अगर आप भी एग्जाम देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं सेकॉप्स के। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कूपन कोड के बारे में, अगर आप मेरे थ्रू सकॉप्स के एग्जाम देने जाते हो तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलने वाला है इन तीनों एग्जाम्स पर जो मैंने दिए हैं, कैप, कैपन एंड कैपन एक्स। तो ये कूपन कोड यूज करना अंश80 एप्सेक, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, तो इससे इन तीनों एग्जाम्स में 80% डिस्काउंट मिलेगा। तो और क्या चाहिए आपको, लाइक इतने सस्ते में इतनी वैल्यूएबल चीज आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, आई होप कि कोई ना करे। तो आई थिंक तीनों एग्जाम के लिए अभी जाके रजिस्टर कर लो, एनरोल कर लो, और फिर एग्जाम देना तो आपके ऊपर है। कभी भी आप जब भी फ्री हो, संडे को या छुट्टी है, तो कभी भी दे दो, वो आपके ऊपर है, एंड देन यू विल गेट अ बूस्ट इन योर स्किल्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग पर और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, वो फ्री होता है। और बाकी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना अच्छा लगा तो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे कुछ वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तो बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।